नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। लॉकडाउन के बीच हम एक नए मेहमान के साथ में हैं। बहुत दिनों बाद हम एक अपना बेहतरीन वीडियो करने जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ राजनीतिक है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नई गर्मी आई है और उस गर्मी को भांपते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ज़मीनी नेता से बातचीत की जाए। मेरे बगल में आप देख रहे होंगे व्हाइट शर्ट में, इनके बारे में मुझे बहुत बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन सर आप प्लीज़ कुछ अपना भी एक अच्छा परिचय दें। मेरा नाम दिग्विजय सिंह देव है, मैं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। सर वैसे तो अभी मार्च से लॉकडाउन था और कोरोना का एक दौर चल रहा है। आपका फेसबुक मैंने देखा और समाजवादी पार्टी को मैंने देखा, कई और लोगों को मैंने देखा, लेकिन पार्टी से ऊपर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद आप लोग कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। तो ये क्या आदेश था कि अपने मन से कर रहे थे कि ये एक सामाजिक एक पहल थी आपकी ओर से? देखिए, यूं तो समाजवादी हमेशा समाज की वजह से ही पहचाने जाते हैं। जी जी, समाज के कार्यों में रहने वाले, समाज के सुख दुख में रहने वाले, जी जी, इन्हीं कारणों से समाजवादी ज़्यादा पहचाने जाते हैं। जी, लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ और कोरोना काल में लॉकडाउन आया, देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि सब कुछ बंद है, तालाबंदी है, तो उसी समय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक आदेश आता है कि हर समाजवादी की ये जिम्मेदारी है कि इस देश के जनता के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ उसके सुख दुख में साथी हों। और अगर किसी के सामने इस तरह की समस्याएँ आती हैं, क्योंकि बहुत जो छोटे रोजगार वाले हैं या जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सुबह और पूरा शाम तक दिन रात मेहनत करके ही कमाते हैं, फिर शाम को चूल्हा जलाते हैं। लगभग कितने मतलब लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने उनको सहायता दी? एक बड़ी संख्या थी, मैंने कभी गिनती नहीं की। लेकिन जैसे ही उनका ये आदेश आया, उसके बाद हम लोग निकल गए, तो शुरुआत में ही बहुत सारे माइग्रेंट जो बाहर से काम करने वाले लोग हैं वो डर के अपने, मतलब ये पार्टी का आदेश था, ऐसा हमारे नेता का आदेश। अच्छा अच्छा, आपके नेता, अच्छा, इसीलिए मैं कहूँ कि नेताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। दिग्विजय जी, इस समय जो एक राजनीति है और कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है, कल 14-15 लोगों का लिस्ट में उस नाम भी आया, जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ, तो क्या समझा जाए कि अब आप लोग बिल्कुल रेडी हैं 22 के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से, जी जी, जब 2017 में चुनाव हुए और हमारी सरकार गई और नई सरकार आई, उसके एक महीने बाद से ही हम पूरी तरह से तैयार हो गए थे अगली तैयारी के लिए। अच्छा अच्छा, और आपने देखा होगा कि 2017-18 और 18-19 समाजवादी छात्र सभा ने खासकर, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा हो, जी जी, चाहे बनारस के काशी विद्यापीठ रहा हो या और कॉलेजेस रहे हों, हरिषद कॉलेज रहा हो, चंदौली रहा हो, मेरठ रहा हो, गाजियाबाद रहा हो, नोएडा रहा हो, जी जी, और आगरा रहा हो, देवरिया रहा हो, संत कबीर नगर रहा हो, गोरखपुर रहा हो, बस्ती रहा हो, महाराजगंज रहा हो, संत कबीर नगर रहा हो, इस भी जहाँ भी ये इलेक्शन होते थे, वहाँ समाजवादी छात्र सभा ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 2017-18 में और 18-19 में भी हम करीब 45-40 कॉलेजेस में चुनाव होते थे स्टूडेंट यूनियन के, सब जगह करीब करीब 41-42, यूं कहें कि 80-85% से ऊपर छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे और पूरा पैनल हम जीत कराते थे। ये देखने को मिला, ये मैंने भी और आपने देखा होगा कि नोएडा, जहां हमेशा बीवीवी का दबदबा रहा, जहां उनके मंत्री चुनाव लड़ाते रहे, वहां भी समाजवादी छात्र सभा ने पूरे छात्र संघ पर कब्जा किया और अपना दावा पैदा किया। खैर, ये मैंने भी महसूस किया है आपके प्रदेश अध्यक्ष जब आप थे, कि अगर रावण की जब हत्या हुई थी, जब वो मारा गया था, तो उसमें वानर सेना का बहुत बड़ा योगदान था। 2022 में अगर सभा जीतेगी तो छात्र सभा का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, वो मैं भी देख रहा हूँ और लोग भी देख रहे हैं, छात्र सभा पूरे प्रदेश में काम कर रही है। खैर, इसी से संबंधित एक और सवाल, हाल ही में आपका एक फेसबुक का एक पोस्ट आया है, बड़ा मार्मिक हो, लोगों ने उसको खूब शेयर किया है, क्या वजह थी कि कैसे ये सब हो गया, कि ये लिखा तो किसके लिए, मतलब अपने नेता के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत वायरल हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, खासकर इस समय तो है ये। हाँ, एक्चुअली हुआ, सचता ये है, उसके पीछे सच ये है कि नहीं, आप बिल्कुल ओपनली बताइए, ये हमारा ऐसा इंटरव्यू नहीं है। लोग बार बार फेसबुक में, खासकर मेरी सोशल मीडिया में, बिल्कुल, जो मैं छत्री हूँ, ठाकुर हूँ, समाज से आता हूँ, तो कई बार उन लोगों ने कहा कि आप
क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा हाँ, और किसने कहा ये? बहुत सारे लोग अच्छा। बहुत सारे मैसेंजर पे, बहुत सारे फोन अच्छा, से अच्छा। लोग कह रहे थे हाँ। और वो कह रहे थे कि आप आइए और बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो शायद वो पूरी पूरी स्थिति को हमारी जान नहीं रहे थे। यूं कहें कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा कद दे दिया, तो बहुत दूर तक लोग मुझे जानने लगे या मेरे समाज से जानने, मुझे समाज का जानने लगे। तो उस बात को लिखना बहुत जरूरी था और ये समझाना बहुत जरूरी था कि राजनीति में जब आप काम करना शुरू करते हो किसी दल में, किसी भी दल में आप काम करो, और उस दल में आपको कोई नेता अपनी जो है वो नेता आपकी मदद करता है, आपको आगे बढ़ाता है और लाकर, मैं तो कहता हूँ कि कूड़े के ढेर से निकाल कर आगे खड़ा करता है। देखिए, आपके अंदर टैलेंट कितना भी हो, आपके अंदर कितना भी आप करने की क्षमता हो, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप कितने अच्छे भी बैट्समैन हो, लोग नहीं मिलेंगे अगर आपको, आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो, आपको अगर पिच ना मिले, बैट ना मिले, प्लेटफॉर्म ना मिले, स्टेडियम ना मिले, तो आप प्रतिभा कहाँ दिखाओ? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आप अगर रंगमंच से जुड़े हो, आपको अगर मंच ना मिले, तो फिर प्रतिभा कहाँ दिखाओ? सही बात है। तो मैं तो धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि बहुत मध्यम वर्गीय, आप तो जानते हो हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा, उस बैकग्राउंड से निकल कर आकर ये सोचना कि हम राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश के इतनी बड़े प्रदेश में, जहाँ इतनी बड़ी संख्या के साथ और जो राजनीति का केंद्र रहता है हिंदुस्तान की, उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो वो जानना बहुत ज़रूरी था। और वो बात जो मुझसे लोग कहना चाह रहे थे, तो मैं चाहता था कि एक साथ कई लोगों को जवाब दे दूं, मैसेज जाए हाँ, ताकि वो लोग चुप हो जाएं, मैसेज का उन लोगों को जवाब जाए कि समाजवादी पार्टी, हम दल से नहीं जुड़े हैं, हम दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो बात अपने नेता के लिए, अपने अपने उस जो हमारा अभिभावक है, जो जिसने हमारे सुख दुख में खड़े होकर हमारा साथ दिया है, जिसने इतनी बुरी परिस्थितियों में भी हमें नेता बनाने का प्रयास किया है, हमें आगे खड़ा किया है, तो उसके लिए हमारे दिल में क्या है, वो जानबूझ के मैंने लिखा और लोगों को ये बताया कि मैं अपने नेता और अपने दल से दिल से जुड़ा हूँ। ये राजनीतिक मामला बाद में है, दिल का मामला पहले। कितना मानते हैं आप अपने नेता को? अगर कहा जाए कि उसमें कुछ गणना करिए। मैं हनुमान जी तो नहीं हो सकता लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, देखिए आप पत्रकार हैं और नहीं, ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, लोग अक्सर अपने नेता की चाटकारिता में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो लोग मुझे समाजवादी पार्टी में जानते हैं या जो मुझे करीब से जानते हैं, मैं चाटकारिता नहीं कर पाता। लेकिन सच ये है कि आप सोचिए कि रात में आपका 1 बजे एक्सीडेंट हो, और आप जानते हैं 2008 में मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उस समय मैं अपने नेता को फ़ोन करता हूँ, रात के 1 बजे भी मेरा नेता मदद करते हैं, जो उनके आज निजी सचिव हैं गजेंद्र सिंह जी, पूरा दिन खड़े रहते हैं हॉस्पिटल में मेरी मदद के लिए, जो मेरे साथ लोग चोट खाए होते हैं, व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो वो नेता आपका, उस नेता का मैं कैसे और मैं कितना, और मैं जब बैकग्राउंड देखता हूँ ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि मेरे लिए तो अब यही सब कुछ है, अब इससे आगे ना सोचना है ना समझना। मतलब आपका कहीं ना कहीं भगवान है तो वही है ऐसा भी आप कह सकते हैं, भगवान कहेंगे तो लोग उसका राजनीतिक मतलब नहीं, आपका राजनीतिक मतलब निकालेंगे, लेकिन हाँ, अगर धरती पर अगर कोई मौजूदा भगवान मुझे कहते जिंदा भगवान, भाई भगवान श्री राम को या भगवान श्री कृष्ण को हमने तो नहीं देखा, हम खाली हमारे आराध्य हैं, हम पूछते हैं, लेकिन अगर धरती पर हम भगवान अपना कह लें, ये मेरा व्यक्तिगत बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका कोई हद से ज्यादा मददगार होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस आपकी नजरों में उसका बहुत सम्मान होता है। राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि किसी नेता ने किसी को अगर उठा लिया, उसकी मेहनत कर दी या उसकी कुछ सहायता कर दी, तो वो इतिहास बन जाता है कि भाई फला नेता था देखो और उसने ऐसा किया, तो एक नई चीज बन के आती है। तो खैर, लोग आपके भी बारे में शायद यही सब बात करते होंगे। एक बात और बताइए, इन दिनों आपकी हंस में इसलिए रहा हूँ, एक नया शगुफा आपकी पार्टी में आया हुआ है, क्या है ये सब ब्राह्मणवाद वगैरह? नहीं देखिए, इसको आप लोग कैसे बढ़ा रहे हैं भाई? नहीं देखिए, बात कि आप लोग भी भाजपा की ही पिच पे खेलेंगे मैच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझना होगा। अच्छा अच्छा। एक बात जो निकल कर आती है क्या कि करते हम सब कुछ हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, अगर हज यात्रा थी, अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही थी, तो जो हमारे जो वो स्थल थे शव जलाने वाले, अंत्येष्टि स्थल थे, उनके लिए पैसा दिया गया, मंदिरों के लिए पैसा दिया गया, और
जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हज यात्रा चला रहे थे तो श्रवण यात्रा भी चला रहे थे। 60 साल के बुजुर्ग, जो 60 साल के ऊपर के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको सरकारी खर्चे पर हम चार धाम की यात्रा करा रहे थे, हम शिरडी ले जा रहे थे, हम वैष्णो माता जी के यहाँ ले जा रहे थे। आज ये बताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वैसे तो हिंदुत्व का बड़ा ढिंढोला पीटती है, लेकिन आज वो बताए कि हिंदुओं के लिए क्या कोई ऐसी योजना है कि किसी, हम गरीब हों, हमारे माँ बाप चार धाम की यात्रा करना चाहते हों लेकिन हम नहीं ले जा सकते, और सरकार मदद करे। तो मैं मानता हूं कि समाजवादी विचारधारा हमेशा सबके लिए समान नहीं है, एक तरफा नहीं रही है। नहीं तो इस समय जो माहौल है, आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा? क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट वैसे मैं भी घूमता रहता हूँ, तो लोगों ने कहा कि शायद समाजवादी पार्टी अपना जो विषय है उससे फिर भटक गई है, तो क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अपने विषय से नहीं भटकी। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के एजेंडे में हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज था और है, वो रहेगा। और वो काम, वो जो चीजें हैं उनके आंखों में दिखती है। आप जहाँ बैठे हो पीछे ये मेट्रो जो आपको स्टेशन दिख रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने, आपने जब कहा, हमने कहा ऐसी जगह जहाँ से हमारे नेता का काम, मेरे ठीक पीछे मुंशी पुलिया का मेट्रो स्टेशन है। हाँ। और आपने मुझसे कहा कि भाई हम तो यही बात करेंगे। तो ये स्टेशन आप देख सकते हैं। आप सोचो, एक भी पिलर उसके बाद नहीं लग पाया पिछले 3.5 साल की गौर में। इस लखनऊ में जितनी मेट्रो बनाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में, उसके बाद एक खंभा नहीं लगा पाई है। ये इनका विकास है। नहीं, वो तो कर रहे हैं अपना, वो तो उसका उद्घाटन भी किया उन्होंने, आप इसे कैसे कर रहे हैं? अरे देखिए, वो कहने वाली बात है, राम राम जपना और पराया माल अपना। अच्छा। तो पराया काम अपना हो गया इनका। अच्छा, अच्छा। देखिए, जो सच है, तो ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप नहीं, ये सच है, इसमें आरोप लगाने वाली बात नहीं है। अच्छा, आप एक आम जनता से जाके पूछ लीजिए कि भाई ये मेट्रो किसने बनाई, तो बताएगा अखिलेश यादव जी ने बनाई। आम आदमी कहेगा, किसी से पूछ लीजिए, आप यहाँ से निकलिए, आप गोमती नगर जाइए, पूछिए स्टेडियम किसने बनाया, तो बताएंगे अखिलेश यादव जी ने बनाया। SCL किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया। 100 डायल किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप बताइए, इस कोरोना महामारी में भी जो अस्पताल काम आ रहे हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए हैं, जो वैन चल, जो एम्बुलेंस चल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी की चलाई हुई है। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे योगी महाराज जी, ये तो बताएं कि उन्होंने आखिर नई तैयारी क्या है। अरे वो तो कोरोना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका डेली उनकी टीम 11 की अपडेट आती है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? तमाम सरकारी अधिकारियों के वीडियो आपने देखे होंगे। बिल्कुल देखे, और अस्पतालों में झरने भी देखे होंगे, और वो घटना भी सुनी होगी कि जहां पर कोरोना पेशेंट थे वहां सांप काटने से आदमी मर गया, कोरोना से तो नहीं मरा। और खुद के इनके जो सरकारी हैं, जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे पा रहे। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये वाहवाही अपनी करते हैं तो कुछ तो आधार रखना चाहिए। तो इन मुद्दों पे आपकी पार्टी अब तक चुप क्यों है? समाजवादी पार्टी कभी कभी चुप नहीं रही। मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा हूँ, समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रों के मुद्दे पर आगे रहे। इस कोरोना पीरियड में एग्जाम ना हो, ग्रेजुएशन के या किसी तरह के इनके एग्जाम ना हो, एग्जामिनेशन ना होने के लिए समाजवादी छात्र सभा ने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को लड़ने का ये हुआ कि आज गवर्नमेंट की तरफ से वो एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। बाद में UGC ने थर्ड ईयर के एग्जाम लाए हैं, और उसकी फीस की हम लड़ाई लड़े, हमने नो रेंट की लड़ाई लड़ी। अब हम नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो ये सरकार के अंदर जितनी ये मनमानी हो रही है, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में वैकेंसी भरी जा रही है, उनका कोई आधार नहीं है। आखिर ये मनमानी जो चल रही है उसके खिलाफ समाजवादी लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा विधानसभा के सामने समाजवादियों का प्रदर्शन। बिल्कुल, हमारे यूथ फंटल के जो अध्यक्ष हैं वो लाठी खाते हैं आपको। मतलब मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, छात्रसभा ना हो तो समाजवादी पार्टी नहीं है। नहीं, दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, एक सवाल आपका, आपके बारे में मैंने भी सुना और अक्सर आपके बारे में लोग बताते भी रहते हैं, क्योंकि सपा, भाजपा, मैं सब में मेरे लोग बातचीत है। आपको जमीनी नेता का एक है तमगा आपके ऊपर लगा हुआ कि नहीं भाई, ये आदमी जमीन पर काम करता है, तो इसका खामियाजा कुछ भुगत, आपने कुछ भुगता अभी तक? नहीं, मुझे कोई खामियाजा भुगतना नहीं। कुछ लोग हैं आपकी पार्टी में जो मखन मलाई वाले थे, आए खाए हो, चले गए। देखिए, राजनीति में सब तरह, आपको आपको लगता है सब ऐसा नहीं? देखिए, होता क्या है, समझ की फर्क है। राजनीति में सब तरह के लोग हैं और सब तरह के लोगों की उपयोगिता है। कोई जमीन का काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, हर चीज एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। अच्छा। ये कम बुद्धि के लोग कहते हैं कि ये हैं और वो हैं। देखिए, हमको जो हमारे नेता ने काम दिया या आदर्श दिया, अगर उन्होंने, देखिए समाजवादियों की पहचान ही मिट्टी के जुड़ाव से है,
समाजवादियों की पहचान ही रोड, सड़क और लाठी जेल से है। समाजवादियों की पहचान ही मुद्दों की लड़ाई से है और सरकार से टकराने से है। अगर समाजवादियों की पहचान नहीं होती, बताइए आदरणीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के सामने जाकर जमीन पर बैठ के प्रदर्शन किया नहीं किया? आप बताओ, समस्या हमारे नेता के साथ ये है कि हमारा नेता जब सड़क पर होता है तो उत्तर प्रदेश में शायद इकलौता ऐसा नेता हो जहाँ लाखों की भीड़ उन्हें घेरे ना। आप अगर आज की डेट में आप कह दीजिए मुंशी पुलिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये हमारे नेता की लोकप्रियता है। नहीं तो आपको लगता है कि सपा में ऐसे भी नेताओं का भविष्य है, आप जैसे लोगों का? समाजवादी पार्टी कोई बड़ा समाज देती है? समाजवादी पार्टी में ही भविष्य है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में अगर भविष्य ना होता तो मैं प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनता? नहीं, आप तो बहुत सालों से बड़ा संघर्ष किया आपने भाई, आपके बारे में लोग बताते हैं। इतिहास भरा पड़ा है समाजवादियों का संघर्ष से, और समाजवादी पार्टी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान हैं। आप वो नहीं मानते हैं कि फॉर्च्यूनर और पजेरो से जो लोग चक्कर लगाते हैं पार्टी का रह लेके, आप उनको फिर नहीं मानते? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, अगर किसी के पास फॉर्च्यूनर की क्षमता है तो ये उसका सौभाग्य है। अब मैं कार से चलता हूँ तो मेरा जितनी मेरी क्षमता है मेरे कार का सौभाग्य है, इसमें बुराई नहीं होती। देखिए, बुराई इस बात में है कि कोई व्यक्ति साधन संपन्न होने के बावजूद भी जनता से ना जुड़े, जनता की मदद ना करे, जनता के सुख दुख में काम ना आए तो बुराई। आपका अनुभव कैसा रहा है, एक मतलब एक सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति और फिर इतना आप लोगों ने, आपकी अपनी एक लड़ाई रही इतने सालों की, 10-15 साल तो हो ही गया होगा, 17 साल हो गया, 17 साल हो गया, बड़ा साल हो, मतलब काफ़ी लंबा साल हो गया। इन पूरे राजनीतिक समीकरणों में क्या आपका एक मैसेज रहा जो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ऐसा क्या है आपके लिए? देखिए, मैंने ये समझा क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ा होगा, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, क्योंकि राजनीति में होता है बड़ा नेता छोटे नेता वो मौका नहीं देता है। मैं एक सिंगल रन नहीं, एक घटना बता दूँ, एक घटना, मेरे एक रिश्तेदार हैं बम्बई में रहते हैं। अच्छा, और ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट होगी आई थिंक। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बम्बई में रहते हैं, तो उससे पहले मेरी सरकार बनने से, समाजवादी सरकार बनने से पहले और आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरी कई बार उनसे शादियों में या कभी कभी मुलाकात होती थी, तो वो बड़ा वैसे हमें ट्रीट करते थे, हेलो है वाला, वो थोड़ा हाई फाई आदमी, थोड़ा ज्यादा पैसे वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो वो वैसे ही था, मतलब उनसे आप नमस्ते करें तो हाँ और ठीक है ठीक है, तो वो बड़ा हमें वैसे लेते थे, बड़े भैया जैसे, हाँ ठीक चला होंगे लोग बताते। अच्छा है क्या कि हमारी 7 पीढ़ियों में या हमारे परिवार में कोई नेता नहीं है, तो ये राजनीति भी उनके लिए बड़ा वैसा है कि कहाँ गलती से आप आ गए। ये ईश्वर आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, साईं बाबा कृपा है। ठीक, आप कुछ बताएं। तो वो कहे कि बम्बई जाना था एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो वो कहे कि आपके मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आप क्या मुलाकात करा देंगे, तो हमने कहा हम भी प्रयास करेंगे। तो संयोग से जिस फ्लाइट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय मुख्यमंत्री थे, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसमें मैं भी था, और मैं सोचा था कि वहाँ जाके मिलवा दूंगा, लेकिन संयोग था ऐसा था कि उसी फ्लाइट में मैं भी था जिस फ्लाइट में वो थे। फ्लाइट जब टेक ऑफ हो गई, जो ऊपर एयर में स्टेबल हो गई, तो हमने जाके कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो क्या ठीक, उन्हें मिलवा देना। तो ये बात मैंने पहले उनसे पहले कह दी थी फ्लाइट उड़ने से पहले कि आप ऐसा करिएगा, एयरपोर्ट आइएगा, प्रयास करेंगे आपको एयरपोर्ट मिला देंगे। तो हम मुंबई पहुँचते हैं, वो अपना बुके वुके लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूंकि उनके साथ मुख्य सचिव और पूरा उनका ऑफिशियली जितनी थी सारी टीम आगे उतर गई, तो हम थोड़ा पीछे रह गए। तब तक हम उतरे, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाड़ी में बैठ चुके थे, तो चूंकि मुख्यमंत्री की गाड़ी फूक होती है, वो शीशा उतरता नहीं, तब तो मैंने उन्हें देखा, मैं भाग के अपने जो हमारे रिश्तेदार उनको बुला के लाया और बुला के खड़ा किया, सिक्योरिटी आने नहीं दे रही थी, पर मेरे जाने पर उन्हें आने दिया। तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट की कि सर मिलना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाड़ी चल चुकी थी, गाड़ी उन्होंने रोक दी और फिर उतर गए, हाथ वोट मिलाए, उनसे बातचीत की और कही आइएगा, मिला मुलाकात होगी, और वो बैठ के चले गए। तो जब वो चले गए तो जो हमारे रिश्तेदार थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि ये मामूली से घर में रहता है, हम इसको सब जानते हैं, इसका परिवार भी वैसा नहीं, बड़े बड़ा सामान्य परिवार है, और उसके इशारे पर उत्तर प्रदेश का नेता, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रुक रहे हैं, वो भी मुंबई में, बड़ी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरे नेता की मानता है, मुझे सौभाग्य मेरा है कि मुझे ऐसा नेता मिला है जो एक अजीब, एक अदने से कार्यकर्ता की रिक्वेस्ट को इतना वो कर रहा है। ऐसे अखिलेश यादव जी थोड़ी हैं, मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, शायद इकलौता ऐसा नेता होगा देश का, कहने बड़ी बात कहने जा रहा हूं, शायद इकलौता ऐसा देश का नेता होगा जिसको नौजवान कार्यकर्ता ने या समाजवादी पार्टी के किसी नौजवान नेता ने दौड़ते भागते अगर हाथ में पर्ची पकड़ा दी या उनसे कोई बात कह दी या कोई मदद मांगी, पिता बीमार है, माँ बीमार है, बहन की शादी है, भाई भाई को भाई की दिक्कत है या फाइनेंशियल दिक्कत है, हमारे नेता ने खुल के मदद की और उनको मजबूत करने का काम किया और उनकी जरूरतों पर खड़े होने का काम किया।
लोगों की बीमारी में इतना इतना पैसा दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मेरे नेता की खासियत है। बहुत सारे नेता आपको देश में मिलेंगे, लेकिन एक गरीब मजदूर किसान के बेटे की मदद करने वाला नेता, वो इकलौता ऐसा नेता है हमारे देश में जिनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। तो और बहुत अच्छी बात है कि ये परंपरा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से उन्होंने ली है। उनके बारे में भी लोग बताते थे कि नेताजी लोगों की आउट ऑफ वे जाके पब्लिक से मिलने का एक अपना सबका एक नेता, वो हमें हमारा सौभाग्य में ऐसा नेता मिला। चलिए ये आपके और आपके नेता की आपस की बात है, हम मुद्दे पे आते हैं। 2017-2019 आपको कुछ गलतियां करी आपने, आपको उसका मुआवजा अब आप दे रहे हैं। 2022 जो गलतियां थी उस पे बात करने से कोई फायदा तो है नहीं वैसे, क्योंकि वो आपको भी मालूम है, लेकिन क्या उन गलतियों को ना दोहराया जाए? क्या जन कार्यक्रम जो आप लोगों के हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चर्चा है? क्योंकि ऐसी राजनीति गलियारों में है चर्चा कि वो जो गलतियां हुई वो एक एक्सपेरिमेंट था, अब नहीं होगा। क्योंकि अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत अपने, जब उनका एक कार्यकाल था भाई, उन्होंने कहा हमने ये बनवा दिया वो बनवा दिया दुनिया भर का काम, लेकिन फिर भी उनका चुनाव वो हार गए। बीजेपी की जो एक कैंपेनिंग थी उसमें वो धराशायी हुए। क्या लगता है अब 22 में किस प्रकार से, किन मुद्दों पर आपकी पार्टी और आप, आपको भी क्योंकि अगर पार्टी कोई बड़ा वो देती है ओहदा तो उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, और क्या इसी में उलझे रहेंगे ठाकुर पंडित में? नहीं नहीं, गलत आप लोग गलत रास्ते पे ले नहीं, नहीं, यही हो रहा है का काम करते हैं। भैया आप भटकाने का काम, यही राजनीति चल रही है। आपके यहाँ परशुराम जी की मूर्ति लगने जा रही है तो भाई ये हम कैसे जुड़ पाएंगे? परशुराम मूर्ति जी की बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ एक बौद्धिक सभा है, बौद्धिक सभा ने प्रस्ताव रखा, वो जो पांडे जी हैं, हाँ हाँ, जो मनोज पांडे जी और सब लोग हैं, संतोष पांडे वगैरह, अभिषेक मिश्रा जी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मान लिया। देखिये, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जात में बांट कर नहीं, अब जनेश्वर मिश्रा जी का ब्राह्मण नहीं है क्या? बताइए, एशिया का इतना बड़ा पार्क बना है, बनाया है कि नहीं बनाया? तो ये जात की राजनीति नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, अगर आप प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम स्वीकार कर रहे हैं, इतनी सी बात है। अच्छा देखिए, 2022 कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। गांव में कहा जाता है ना कि कांट की हांडी एक बार चढ़ी भैया, एक बार चढ़ गई ना, तो आप ये हांडी किसको बोल रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को, कांट की हांडी एक बार चढ़ गई, अब सबको पता लग गया। आप देख लीजिए कहां नहीं, इतना अपराध है, इतना अपराध है। पत्रकार आपने देखा हुआ बलिया का पत्रकार के साथ क्या हुआ, कितने पत्रकार मार दिए गए। कोई पत्रकार अगर सच लिख देता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है। आप सोचिए, आप तो आप उसी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, जब इसके साथ ऐसा व्यवहार है तो फिर आप सोचिए कि आम जनमानस का क्या होगा। कितनी सारी हत्याएं हो गई, कितनी सारी लूट, कितने सारे बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। उसके बाद यही कह के तो लाते थे कि ये उनकी सरकार है, ये उनकी सरकार है। आपने पहले गोलियों से निशाना साधना चाहा, कहा ठोक देंगे, ठोकने के बाद भी पता लगा कि आपको ही पुलिस वालों के लोगों ने ठोक दिया। तो ये जितना भी तारतम्य बना है, 3 साल तक जो घटनाएं, 3 साल तक अपराधी सह पाते रहे, अब जब वो पलट के खड़े हो गए तो आपने कहा कि हम सब खत्म कर देंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के सामने और जनता के सामने सब चीजें खुल गई हैं, और आने वाला जो चुनाव होगा वो आम गरीब मजदूर किसानों के हित की बात करने वाला और काम करने वाला होगा। आप बताओ, इसी लखनऊ में घूम लो, कम 200 बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें, शुरुआत में सरकार बनी कहे 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? हम लड़ेंगे जिस मुद्दों पर लड़ते थे, विकास के मुद्दा हमारा पहले भी विकास का मत। हम बताइए, 2017 के चुनाव में हमारा सारे मुद्दे विकास के थे कि नहीं? तो इस बार तो फाइट कर रही सुना है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस, कई कांग्रेस है ना, आप खुल के बताइए। नहीं नहीं, जो एक लोकतांत्रिक कांग्रेस नहीं नहीं, इस समय जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप किसी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कांग्रेस है। नहीं, मैंने सुना कि भाई लल्लू जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल, तो उनका भी तो कुछ फैक्टर होगा आपके यहाँ, लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के? हाँ भाई, मैंने मतलब उनका, आप लोग बता रहे हैं वैसे जनता नहीं जानती। नहीं, अखबार में खबर है, आप नहीं देख रहे क्या अखबार? ये तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमें तो कहता हूँ साहब, ये तो वो डंडा है। अच्छा भाई, 10 लोग कहीं भी खड़े हो जाए, पुलिस आके घेर के आपको बैठा देती है। कांग्रेस मेहनत कर रही है, लोग बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस मेहनत कर रही होती तो लॉकडाउन में कहाँ थे? लॉकडाउन में कहाँ थे? खाली बस खड़ा कर देना। आप बताओ, जो गरीब बेटी चल रही थी, जो पैर नहीं रख पा रही थी, तब कहाँ थे? जब एक बाप अपनी बेटी की लाश को हाथों में लाद के चल रहा था, तब कहाँ थे? अरे तब कहाँ थे ये लोग, जब इतने बुरे हालात थे कि एक छोटे से गाड़ियों में भूसों की तरह भर के इंसान आ रहा था, लोग भूख प्यास से मर रहे थे, तब कहाँ थे?
तब यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही लाल टोपी वाले लोग सड़कों पर खड़े थे, उनके खाना पानी के लिए लेकर खड़े थे, उनके खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम और जो सुविधाएं हो सकती। मैंने रात में 2-2 बजे लोगों को ट्रकों पर रिक्वेस्ट कर करके बैठा के भेजा है जो कई दिनों से पैदल चल रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता के साथ रहती है और हर सुख दुख में उनके शामिल रहती है। और समाजवादी पार्टी यूं ही समाजवादी पार्टी नहीं है, बताइए कितने लोग हुए और हमारे नेता ने किसकी मदद नहीं की, जितने वीर शहीद हैं उनकी मदद की। आपकी बात मैं सब मानता हूं, लेकिन जब 17 का चुनाव वो हारे थे तो एक ये बात कही गई कि उनके डेवलपमेंट पे ये चुनाव नहीं हुआ, तो क्या फिर से अगर उसी मुद्दों पे हुआ हमारे, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमने सामाजिक ताने बाने की, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए करूं कि आप जनता के बीच में रहते हैं और आपके ऊपर है कि नहीं भाई आदमी नहीं है। जनता क्या, जनता से आप मिलते होंगे ना, तो कहां गलती हुई? जनता ने कुछ बताया आपको? जनता ने देखिए, जनता ने ये कहा कि जनता ने तो ये भी कहा कि भैया हम लोग धोखा खाएंगे। अच्छा भाई, हम अहमदाबाद बात कहे का आदमी, भाई हमारी अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2012 में चुनाव वोट में मिले 3,500 और उसमें मिले 80,000, तो हमने पूछा भैया इतना वोट कैसे? इन भैया धोखा खाएंगे ना हम लोग। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही? जनता ही कही। अच्छा, हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही भैया हम लोग धोखा खाएंगे। अच्छा, अब जनता धोखा खा गई है तो जनता तो तैयार है ना, जनता ये समझ रही है नौकरियां कहाँ है। क्या जनता पूछ नहीं रही? बताइए नौकरियां कहाँ हैं? आप सड़क की हालात पूछ लीजिए क्या है, आप पानी की हालात पूछ लीजिए, आप किसान के हालात पूछ लीजिए, कहाँ डेढ़ गुनी आय चली गई, कहाँ नौकरी चली गई। संकल्प पत्र में आपने नौजवानों से, आज ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लैपटॉप देंगे प्लस 2 GB डाटा देंगे, कहाँ गया लैपटॉप 2 GB डाटा? आप लोग कब इसकी मांग करेंगे? और नहीं मांग कर रहे हैं, और आपसे बता दूं, अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार होती तो इस कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश में इतने लैपटॉप बढ़ चुके होते कि घर घर ऑनलाइन क्लासेज आराम से चल सकते थे। ये नेता की दूरदर्शी सोच है, ये इसी सोच के साथ हम आगे जा सकते हैं। और सच यही है, बातें आप कितनी भी घुमा फिरा के करिए, आना आपको स्कूल, पुलिया, अस्पताल और रोड पर ही होगा। नहीं, भाजपा जब आई उत्तर प्रदेश में तो उसने कहा था कि आपकी सरकार में, सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत था, अराजकता बहुत था, अब वो जीत के आए तो वो सबका शूटिंग करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक आपने देखा अभी कितने घंटे बैठे हैं घड़ी के, आप देख लो कितनी हत्याएं हो गई इतनी ही देर में, बताइए। हमने अभी आपको दिलाया बलिया की घटना तो अभी यही लखीमपुर की घटना है कि हमने बदमाशों को कहा है कि या तो भाग जाए या तो फिर, तो ये मार कौन रहा? ये भारतीय जनता, अच्छा भारतीय जनता पार्टी, आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं। मेरठ में एक किताब का घोटाला निकला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आदमी शामिल था। पार्टी ने उसको निकाला है भाई, ऐसा खबर आई है, आप ऐसे कैसे? अच्छा, निकाल दिया। अभी कानपुर में जो घटना हुई थी उसमें भी कानपुर उसके भारतीय जनता पार्टी मन बना चुके हैं। देखिए ऐसा हर मौके पर जवाब दिया रहेगा, नहीं हर मौके पर नहीं, समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही लड़ने के लिए हर समय हर वक्त तैयार हैं। आप बताइए कि रात में मुझे इस पुलिस ने रात में 11 बजे लाठियों से नहीं पीटा, पीटा कि नहीं पीटा? जब भी हम मुद्दे अच्छा, उसी पुलिस को आपने मदद भी करी, मैंने सुना उन्हें सैनिटाइजर दे दिया, भैया कोरोना पीरियड में बच्चे रहिएगा, हो सकता हो 6 महीने बाद फिर हम प्रदर्शन करने। मैंने आपका फेसबुक देखा था एक दिन, तो आप वहाँ पे किसी थाने में था, हाँ वो चौकी है वहाँ पर, हाँ तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, आयन चौकी है, उसी पुलिस ने मारा भी था, डाटा भी था, उन्हें इंस्पेक्टर रात में उठा लिया था, जो पुलिस वाले हमारे अधिकारी थे महोदय इंस्पेक्टर महोदय, उन्होंने ही हमें मारा, तो हमने उनको एक पिपिया पूरा 5 लीटर का सैनिटाइजर दिया, ये लीजिए आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो भविष्य में आपकी लाठी, हमें पता है कि कितनी ताकत, भाई दूसरा ज्यादा ताकत से मारेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग हैं ये, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, बेचारे पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है। ये हमने बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के बाद एक अच्छा वीडियो, आज मुझे लग रहा है कि लोग देखेंगे, जाते जाते कुछ एकाध सवाल और ले लेते हैं। इस समय आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि एक समय था कि जब आदरणीय मुलायम जी के साथ में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था, बड़े बड़े लेवल का था, अभी आपने मिश्रा जी का भी नाम लिया, स्वर्गीय मिश्रा जी का, लोहिया जी वगैरह, तमाम सारी बातें हुई, अखिलेश जी के साथ ऐसा विपक्ष भी कहता रहा और कुछ ऐसा है भी कि लोग कहते हैं कि अखिलेश जी के साथ वही लोग हैं जो उनके लेवल के हैं, मतलब उनकी उम्र के हैं, बौद्धिक स्तर पर कहीं वो फेल होते हैं तो इसीलिए उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि उनके पास जो एक बैकअप टीम होनी चाहिए, जैसे आपने जो बताया कि जो आपकी पार्टी के वो बनाते हैं वगैरह, मतलब रणनीति वगैरह, आपको लगता है कहीं ऐसी गलतियां होती हैं आप लोगों से? देखिए अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को विवेकानंद फाउंडेशन चलाती है, बहुत पैसा उनके पास, वो चला सकते हैं।
समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, बताइए सीनियर लॉबी कितनी, राम गोविंद चौधरी साहब कितने सीनियर हैं, बहुत सीनियर, गुलाम यादव जी कितने बिल्कुल, सीनियर बिल्कुल, ठीक है, आप हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी साहब कितने सीनियर हैं, ये एक सीनियर लॉबी है अहमद हसन साहब कितने सीनियर, बात सुनी जा रही है कैसी, क्योंकि समाज में ऐसी खबर है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं आपसे इससे पहले आने से पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी से नहीं, लग रहा उसके उसकी बातों का असर आप पे जा नहीं रहा भैया, हम लोग जब कहीं देखिए आपकी पार्टी हुई उनके, हम तो अगर उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो ये कहते हैं आप तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि अडवाणी साहब कहाँ हैं, आज मैं एक भी वीडियो देख रहा था, हम तो मिलेंगे, हम तो आपसे मिले हैं, हम कल किसी बीजेपी के नेता से मिलेंगे, परसों कांग्रेस से मिलेंगे, हमारा तो काम है, नहीं ऐसा है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बुजुर्ग लोगों को शायद पार्टी नहीं गलत, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, समाज आप देख लीजिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए कौन लेता है उनके मंच पर, समाजवादी पार्टी ने सबका सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी ये हमारे जो तो मतलब शिवपाल जी वापस आएंगे तो उनका पूरा स्वागत होगा, देखिए ये फिर आप मेरी फिर अरे नहीं भाई बुजुर्ग आदमी है, मेरी हैसियत के बाहर का प्रश्न है, अच्छा आपकी नहीं नहीं एक राज एक एक नहीं नहीं मेरी हैसियत का बाहर का प्रश्न है, आप कौन आएगा कौन जाएगा कौन रहेगा ये मेरे उसका इस तरह व्यक्तिगत मामला, ये तो राष्ट्रध्वज जी का मामला है, ये मेरी हैसियत का प्रश्न नहीं, चलिए ठीक है छोड़िए, मेरे कहने का मतलब समाजवादी पार्टी में सारे सीनियर जो हमारे लीडर हैं उनका पूरा सम्मान होता है और समाजवादी पार्टी उन्हीं के विचार उनके दिखाए रास्ते पर, राम गोविंद चौधरी साहब के दिखाए रास्ते पर हमारे जो है जो सीनियर लीडर्स हैं, और सबसे बड़ी बात आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे नेताजी के दिखाए रास्ते पर पूरी पार्टी चल रही है, आदरणीय नेताजी समय समय पर पार्टी कार्यालय पर भी रहते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम लोग आगे चल रहे हैं, और यकीन जानिए पूरी ताकत के साथ ये बात कहता हूँ कि जनता ने मन बनाया है और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ 2022 में सरकार इसलिए लाना चाहता है कि वो गरीब मजदूर किसान जो पूरी तरह से थका हुआ है, टूटा हुआ है, परेशान है, कम से कम उसको थोड़ी सी खुशियां पहुंचा सकें, उसकी थोड़ी सी मदद कर सकें और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकें। बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ रही, एक सवाल बस उनकी आखिरी फिर हम लोग निकलेंगे, जो गलतियां आप लोगों ने भी करी, आपकी पार्टी के लोगों ने करी, नेताओं ने करी, भविष्य में वैसी गलती होगी या नहीं ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि अब आप लोग जिस प्रकार से अन्य दलों के साथ आपकी जो लड़ाई होगी ये अब आने वाला समय है वो बताएगा कि आप लोग क्या लड़ोगे, आपने जो बातें मुझको बताई हैं कि आप इस मुद्दे पर आ गई उस मुद्दे पर आएंगे, अभी तो पहल बार मतलब ये है कि मामला कहीं और जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो खैर बहुत अच्छी आपके साथ बातचीत रही और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं, खैर ये लॉकडाउन में हम लोग दूर दूर हैं और आपको बहुत बधाई इसके लिए और ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, तो ये थी हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन मुलाकात, ये काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने एक बेहतरीन इंटरव्यू आज किया है और मुझे आशा है कि आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा, तो सर आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम आपके चैनल जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं हमने एकदम बेबाकी से बात करी आज, नहीं नहीं बिल्कुल आप विभागी से बात करें, कोई लाग लपट नहीं और मैं चाहता था कि आप खुल के बोलिए, समाजवादी विभागी होते भी हैं, समाजवादियों को ये पसंद भी है, आपका बड़ा धन्यवाद, आप हम जैसे नौजवानों को जो छोटे नौजवान है नेता नहीं कार्यकर्ता है, उम्र की बात पार्टी के कार्यकर्ता है, वैसे तो बड़े चैनल हम लोगों को जगह कम देते हैं, पत्रकारिता नहीं ऐसा नहीं है, आप तो मतलब रहते हैं अक्सर, लेकिन हाँ जो भी आप मीडिया को दोस्त आप भी देते रहे और वो भी देते रहे, हम लोग जाए तो नहीं मीडिया को दोस्त नहीं, आप तो मदद करते हैं हमारी बात रखते हैं लेकिन थोड़ा अवसर कम देते हैं, अवसर आपने दिया इसका बहुत धन्यवाद, इनकी शिकायत को मैं खत्म करूंगा, आपने अवसर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग देख रहे हैं मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अगर विकास के रास्ते पे आगे जा सकता है और धार्मिक अंधता के खिलाफ मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर गरीब मजदूर किसान नौजवान की जो जरूरतें हैं उस पर काम करने को आप इतिहास अगर पीछे उठाकर देखेंगे तो एक नेता निकल कर आता है आदरणीय अखिलेश यादव जी, और वही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने काम किया था और काम करेंगे और हमारा ही काम बोलेगा और निश्चित रूप से बोलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो ये थे हमारे साथ बेबाकी से बात करने वाले दिग्विजय सिंह देव जी, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, बात होगी राजनीति की, उत्तर प्रदेश में जो सियासी एक नया दौर स्टार्ट हुआ है उस पर हम फिर से किसी के साथ बातचीत करेंगे, धन्यवाद।